अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं अदनान शबीर हूँ। व्यूअर्स, इस टाइम हम मौजूद हैं बहरिया पैराडाइज प्रेसेंट 54 सेंट्रल पार्क में। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सेंट्रल पार्क, जो कि नो डाउट बहरिया टाउन कराची का सबसे बड़ा पार्क कंसिडर किया जाता है। और अगर बहरिया पैराडाइज का मैं जिक्र करता चलूँ यहाँ पर, तो बहरिया पैराडाइज अपने आप के अंदर एक छोटा बहरिया कहलाता है बहरिया टाउन कराची के अंदर। यानी कि वो खूबसूरत टुकड़ा, वो खूबसूरत जगह या वो शाहकार जो अपनी एक मुनफरद हसीयत रखता है अपनी खूबसूरती के लिहाज से, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, और जो सेंट्रल पार्क जिसमें इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ इसकी फिजिबिलिटी की वजह से बहरिया पैराडाइज, और बहरिया पैराडाइज के अंदर जो सेंट्रल पार्क और सेंट्रल पार्क की सराउंडिंग में जो प्रेसेंट 54 के प्लॉट्स हैं और इनके सामने जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एक अच्छी खासी वर्थ है अपने अंदर। सेंट्रल पार्क बहरिया टाउन कराची का सबसे बड़ा पार्क कंसीडर किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली कोई 32 एकड़ जो है वो इसका एरिया बनता है, और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैमिलीज़ के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल कर दिया गया है। आपको यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ भी मूव करती हुई दिखाई देंगी। कुछ मिनी थिएटर इसके अंदर बनाए गए हैं फैमिली के इंजॉयमेंट के लिए, बच्चों की अम्यूज़मेंट के लिए भी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि आपको जो लश ग्रीनरी एरिया है सेंट्रल पार्क का, और इसकी जो अट्रैक्शन है और इसकी जो कशिश है, और इसके सामने जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, अगर हम उनके अंदर अपनी रिहाइश करते हैं या उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या उनके अंदर अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो आने वाले टाइम में उसका क्या हमें गेन मिलेगा, उसका क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या हमें उसका रिटर्न मिलेगा। मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रा पार्क का व्यू और जो सेंट्रल पार्क के ऊपर काम हो रहा है अपार्टमेंट्स के ऊपर, उनका ज़रा व्यू दें आपको, ताकि आपको मज़ीद जो हैं वो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएं। नाज़रीन, जब भी हम रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उसकी सराउंडिंग में जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो बहुत मैटर करती हैं कि उसकी सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। शॉपिंग गैलरी और मॉस्क, और इसी तरह अगर उसकी सराउंडिंग में कोई स्कूल या कोई पार्क आ रहा है, तो हम हमारी नज़र में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो वर्थ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। कैमरे की आंख से आपको सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स यहाँ से नज़र आ रहे हैं। अब ये सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट का नाम इनको दिया गया सेंट्रल पार्क की वजह से, क्योंकि यहाँ से आपको इंतहाई खूबसूरत लश ग्रीनरी व्यू जो है सेंट्रल पार्क का देखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहरिया टाउन कराची का एक बहुत बड़ा शाहकार है, जिसके अंदर आप अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, आपके बच्चे आने वाले टाइम में इस अपॉर्चुनिटी को और इस शाहकार के थ्रू जो है अपनी अम्यूज़मेंट कर सकते हैं, इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के सराउंडिंग में जो चीज़ें बताई मैंने कि शॉपिंग गैलरी होना, मॉस्क होना, पार्क और स्कूल का एरिया अगर आता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को इस टाइम पर बाय करना अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। मज़ीद मैं इसका अगर इंट्रोडक्शन बताता चलूँ, आपको पता है कि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट 74 लाख के अंदर इनकी लॉन्चिंग हुई, उसके बाद इनके ऊपर थोड़ी देर के लिए काम रुक गया, जिसकी वजह से इनके रेट्स भी माइनस में गए और लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की, कुछ के अपार्टमेंट कैंसिल कर दिए गए। बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से उनको बार बार इंटीमेशन दी गई कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू रखा, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे ऑन के ऊपर वो अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल कर रहे हैं। एक अच्छी खासी हलचल है मार्केट के अंदर, मार्केट में न्यू डील भी इसकी लॉन्च हुई है, दो डील्स हैं इसकी। पहली 74 लाख में हुई थी, जिसकी 6,45,000 डाउन पेमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं, और एक न्यू डील है जिसकी 30 लाख रुपये डाउन पेमेंट है, और बाकी 60 लाख जो है वो आपने 2 साल की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो पे करना है। इस टाइम पर बहरिया पैराडाइज के अंदर सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स के अंदर एक अच्छी खासी हलचल, एक अच्छी खासी सेल एंड परचेज देखने को मिल रही है। बहुत सारे क्लाइंट इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स की क्यूरीज आ रही हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स इसके अंदर परचेजिंग करने का पूछ रहे हैं, इसके अंदर बुकिंग करवा रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है, एक तो ये सेंट्रल पार्क जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हो चुका है।
प्रिसेंट 54 जिसमें 250 और 500 की कटिंग दी गई है, उसके अंदर प्लॉट की डेवलपमेंट का काम बहुत स्पीडली हो रहा है, रोड्स बन चुके हैं, बहुत स्पीडली बहरिया की मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे काम कर रही है। और स्पेशली मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स का, जिनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हर टावर के ऊपर आपको अप्रॉक्सीमेटली 4, 5 या 7, 8 फ्लोर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो जो है वो भी मैं ऑन साइट कंस्ट्रक्शन की भी आपको वहाँ पर अपडेट दूंगा कि कंस्ट्रक्शन की क्या अपडेट है। आप देखें, ऐसी कोई भी चीज़ जो ज़मीन से निकलकर बाहर आ जाती है, जब उसकी शेप क्लियर हो जाती है, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेल्टिंग हो चुकी है, नंबरिंग हो चुकी है, आपको 2-3 कैटेगरी के यहाँ पर अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। कुछ पार्क फेस हैं, कुछ जनरल हैं यानी कि जो गली वाली साइड पर ओपन होते हैं, और कुछ वेस्ट ओपन भी हैं। तो इसमें आप किसी भी कैटेगरी को अगर परचेज़ करते हैं, किसी की कैटेगरी के अपार्टमेंट को यहाँ पर अवेल करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम की एक बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। मेन गेट से बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर आपको ये सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जो न्यू डील लॉन्च हुई है उसमें जो पार्क फेस है उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली कोई 8 से 10 लाख रुपए ऑन चल रहा है अभी से। और जो आपके पास वेस्ट ओपन अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, आपको पता है वेस्ट ओपन की रेजिडेंशियल के तौर पर बहुत ज़्यादा मांग होती है कि हमारा अपार्टमेंट वेस्ट ओपन हो, हमारा विला वेस्ट ओपन हो, हमारा प्लॉट वेस्ट ओपन हो, हमारा अपार्टमेंट वेस्ट ओपन हो। इसीलिए 2 कैटेगरी के ऊपर इस टाइम पर ऑन चल रहा है। जो वेस्ट ओपन अपार्टमेंट है अप्रॉक्सीमेटली उनमें 3 से 4 लाख रुपये ऑन चल रहा है, और जो पार्क फेस है उनके ऊपर 8 से 10 लाख रुपये जो है वो ऑन चल रहा है। मेरे नज़र में रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहरिया की बनाई हुई प्रॉपर्टी में से अगर आप सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट को चूज़ करते हैं, तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाहुल अज़ीज़ आपकी एक बहुत ही सिक्योर और लाइफ टाइम ग्रीनरी का जो सीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहरिया का एक बहुत बड़ा शाहकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हर लिहाज से आपकी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। किसी भी सेल परचेज़ के लिए, इसमें बुकिंग करवाने के लिए, अपने अपार्टमेंट को रीसेल करने के लिए, न्यू डील में या ओल्ड डील के अंदर अपनी बुकिंग करवाने के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर 03248341025। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।